वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा करंट अफेयर का सेशन होगा हमारा आज का, और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस होंगे आज के हमारे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। आज के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये पिछले दो चार दिन के सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके लिए। इन क्लास को आपको छोड़ना ही नहीं है। ये क्लास जो जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे और जितने भी उसके साथ से उनके उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे, स्टैटिक जीके के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, वो सब आपको नोट करना है। अपना कॉपी पेन तैयार कर लीजिए बेटा, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर किस देश का सम्मान है जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। बेटा ये बहुत ही बड़ा पुरस्कार होता है ना। तो ये कौन से देश का पुरस्कार है जिससे हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को, भारत के जो पीएम हैं, उनको इससे सम्मानित किया गया है। तो बेटा ये कौन से देश का पुरस्कार है? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर इज द ऑनर ऑफ विच कंट्री विच हैज बीन अवार्डेड टू पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली? आंसर इज, तो आपने सोचा आंसर फ्रांस, इजराइल, ग्रीस या अमेरिका? देखो बेटा ये आंसर है इसका आंसर सी। आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो मैं आंसर आपको देता हूं, आंसर सी यानी ग्रीस। ग्रीस कंट्री ने अपना सबसे बड़ा पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया है, और इसी के साथ भारत के ये ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिनको, ये पहले ऐसे विदेशी हैं जिनको ये पुरस्कार दिया है ग्रीस ने। ग्रीस देश ने अपना यह पुरस्कार फर्स्ट टाइम, पहली बार किसी विदेशी मंत्री को, किसी विदेशी आदमी को दिया है, और ये है इसका गौरव प्राप्त किया हमारे नरेंद्र मोदी जी, भारत के अपने प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को दिया। और ग्रीस में जाने वाले 40 वर्षों बाद ग्रीस में कोई भारतीय प्रधानमंत्री गया है अब की बार, ठीक है, और इनका बड़े जोर शोर से स्वागत किया है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी का बड़े जोर शोर से स्वागत किया गया है ग्रीस के द्वारा। थोड़ा सा मैं ग्रीस के बारे में आपको बताऊं, जो ग्रीस कंट्री है, हिंदी में ऐसे लिखें, और जो ग्रीस कंट्री, उसकी राजधानी क्या है बेटा? ग्रीस की राजधानी यहां पर एथेंस। कौन सी? एथेंस राजधानी होगी। ग्रीस के पीएम कौन होंगे? ग्रीस के पीएम कौन होंगे और ग्रीस के राष्ट्रपति कौन होंगे? पीएम और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ग्रीस के पहले तो राष्ट्रपति की बात करें, ये हैं कैटरीना जी, कैटरीना से आपको याद रहेगा, कैटरीना उनका नाम है, जो उनका सरनेम है वो बड़ा थोड़ा लंबा है, तो कैटरीना के नाम से आप उसको याद कर सकते हो। मैं थोड़ा सा स्पष्ट लिख देता हूं, ठीक है, तो कैटरीना। और इनके पीएम कौन है जरा याद है आपको? जो ग्रीस के पीएम है वो है क्रियाकोस। ग्रीस के पीएम कौन होंगे बेटा? क्रियाकोस। इसको मैं इंग्लिश में भी लिखता हूं, क्रियाकोस, के वाई आई की क्रियाकोस, ये पीएम है। राजधानी कौन सी होगी ग्रीस की? एथेंस होगी। और वहां के प्रेसिडेंट, उनके राष्ट्रपति कौन है? एक महिला है, कैटरीना, तो ये उनकी जो राष्ट्रपति हैं वो होंगी, ठीक है ना। ग्रीस बहुत इंपॉर्टेंट है, राजधानी इसे एथेंस है। कभी ना कभी ओलंपिक खेलों की शुरुआत यहीं से हुई थी, बहुत सालों पहले ओलंपिक गेम्स की शुरुआत यहीं ग्रीस से हुई थी। ओके, तो ये ग्रीस ने पहली बार यह पुरस्कार किसी विदेशी को दिया है, और ये विदेशी कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया है। बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है। इससे पहले फ्रांस ने भी अपना जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो नरेंद्र मोदी जी को दिया था इनमें से, ठीक है। तो ये भी आपने पढ़ा, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ग्रीस के द्वारा यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया है, वहां के पीएम क्रियाकोस और राष्ट्रपति कैटरीना, राजधानी एथेंस। और ग्रीस कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट की है? ग्रीस कंट्री इन यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है, इन विच कॉन्टिनेंट? यूरोप कॉन्टिनेंट, तो यूरोप का देश है ग्रीस। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि 54वां बाघ अभ्यारण्य बनेगा, भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो बेटा ये टाइगर रिजर्व सेंचुरी ये बनेगी, तो ये कौन से राज्य में है? धौलपुर करौली, जिसके इस धौलपुर और करौली के नाम से आप बच्चे समझ ही गए होंगे, तो ये कौन से राज्य में है? जरा समझे तो आंसर सोच लिया आप लोगों ने, इसका आंसर सोचा आप लोगों ने? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या बिहार? तो बेटा इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान के अंदर धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि अभी 54वां टाइगर सेंचुरी बनेगा, टाइगर रिजर्व सेंचुरी बनेगा, 54वां होगा ये,
ठीक है। अब राजस्थान के अंदर जो अन्य नेशनल पार्क हैं वो भी मैं एक बार आपको बता दूं, सुनिए, पहले फिलहाल मैं राजस्थान के नेशनल पार्क की बात करूंगा, बाकी फिर इनके बारे में, बाकी के बारे में बात करते हैं। तो सुनिए, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ एक, फिर उसके बाद रणथंभौर, रणथंभौर, उसके बाद यहां पर आता है सरिस्का, घाना, एक बर्ड सेंचुरी है। ये सभी राजस्थान के मैंने आपको बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंभलगढ़, रणथंभौर, सरिस्का और घाना, इट इज ए बर्ड सेंचुरी, कुंभलगढ़, रणथंभौर, सरिस्का, ये सभी के सभी टाइगर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर टाइगर आपको काफी देखने को मिलेंगे रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर। अब मैं मध्य प्रदेश के कुछ इंपोर्टेंट आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के अंदर कुनो नेशनल पार्क है, कौन सा कुनो, ये कुनो वही है जहां पर चीते लाकर रखे गए थे नामीबिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, ठीक है ना, नामीबिया अफ्रीका महाद्वीप से, नामीबिया कंट्री से यहां पर चीते लाकर रखे गए थे, जहां पर कौन से, कहां पर, कुनो नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश के अंदर 9 चीतों की डेथ हो चुकी बेटा यहां पर। अब और कौन सा, यहां पर कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा, ठीक है, और कौन सा यहां पर, बांधवगढ़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर माधव है, यहीं पर सतपुड़ा, मैं बाकी सब बोल देता हूं, सुनिए, सतपुड़ा यहीं पर है, माधव नेशनल पार्क यहीं पर है, पन्ना नेशनल पार्क यहीं पर है, पेंच नेशनल पार्क यहीं पर है, इतने सारे नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश के अंदर है बेटा, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हमारे यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर होंगे, ठीक है। यहां पर आप उत्तराखंड के भी आप देख सकते हो बेटा, उत्तराखंड के अंदर जिम कार्बेट, जो कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था, है ना, था क्या, अभी भी है जिम कार्बेट का, लेकिन बेटा अभी नाम चेंज हो गया, अभी इसका नाम हो गया राम गंगा नेशनल पार्क। यहीं पर राजा जी नेशनल पार्क भी है, राजा जी नेशनल पार्क है यहीं पर, ठीक है, यहीं पर नंदा देवी नेशनल पार्क है, नंदा देवी इट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन उत्तराखंड, नंदा देवी सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है उत्तराखंड के अंदर, और ये एक नेशनल पार्क भी है, जिम कॉर्बेट यहीं पर है, राजा जी यहीं पर है, राजस्थान के मैंने बताई दिए, बिहार के आप एक बार फिर से सुन ले, बिहार के अंदर वाल्मीकि, कौन सा है, वाल्मीकि, ओके, बिहार के अंदर वाल्मीकि, और कौन सा है बिहार के अंदर, कैमूर। तो ये सभी नेशनल पार्क, यही सभी सेंचुरीज मैंने आपको चारों राज्यों की बता दी हैं। इस क्वेश्चन का आंसर था लेकिन सी, आंसर सी, राजस्थान, ठीक है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व सेंचुरी जो कि 54वां बाघ अभ्यारण्य बनेगा, ये राजस्थान के अंदर बनेगा बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार देश का सबसे साफ शहर कौन सा है, सबसे सर्वोच्च, सबसे साफ, जो क्लीन एयर सर्वे के अकॉर्डिंग दो सबसे साफ स्वच्छ शहर की संज्ञा किसको दी गई बेटा, इंदौर, आगरा, थाने, पटना, तो ये कौन सा होगा, तो बेटा सोचा आप लोगों ने आंसर, मैं आंसर दे रहा हूं आपको, आंसर इज इंदौर, इंदौर, जो इंदौर सिटी है ये कहां पर है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर, प्लेट्यू ऑफ नियर प्लेट्यू ऑफ मालवा, प्लेट्यू ऑफ मालवा, मालवा के पठार के पास है ये जगह, ये मालवा के पठार के पास है इंदौर, ठीक है ना, इसके थोड़े से दूरी से निकल जाती है शिप्रा नदी, यहां से निकलती है शिप्रा की जो सहायक नदियां हैं सरस्वती वगैरह, वो इनके थोड़ा सा पास से निकल जाती है इंदौर के पास से, ठीक है ना, तो मालवा के पठार से, विंध्याचल की पहाड़ियों से, यहां से बहुत सारी नदियों का उद्गम है, ठीक है, तो इंदौर एमपी के अंदर है, एमपी के अंदर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मैंने हाल फिलहाल अभी आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। यहां पर आगरा आपको देखने को मिलता है, आगरा दूसरे नंबर पर रहा, स्वच्छ शहर है आगरा, सेकंड प्लेस पर कौन सा रहा, आगरा, फर्स्ट पूछा जाएगा तो फर्स्ट है बेटा इंदौर, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार देश का सबसे साफ शहर बना इंदौर, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि वर्ष 2024 में आयोजित होगा कौन से देश में, सिक्स्थ ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन द ईयर ऑफ 2024 इन विच कंट्री, तो कौन से देश में ये शिखर सम्मेलन आयोजित होगा 24वां,
तो बेटा ये 16वां और ये 2024 में, अभी फिलहाल जो हो रहा है ना, अभी फिलहाल किधर हो रहा है ये, अभी फिलहाल साउथ अफ्रीका में, अभी फिलहाल कहां पर बेटा, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में चला हुआ, ठीक है। लेकिन 16वां किधर होगा, 16वां होगा रसिया के अंदर बेटा, कहां होगा, रसिया में कजान शहर के अंदर, रसिया के कजान सिटी में, ठीक है, कजान शहर में, ठीक है, ये 16वां होगा, 16वां। साउथ अफ्रीका में अभी चला है बेटा 15वां, ठीक है, 15वां 2023 में साउथ अफ्रीका, लेकिन इसका आंसर है रशिया कजान शहर, ठीक है। 16वां ब्रिक्स के अंदर अभी 6 कंट्री और भी शामिल हो गई, अभी 6 नए देश और भी शामिल हुए हैं बेटा ब्रिक्स संगठन के अंदर, इसका आंसर आप अभी आगे पढ़ोगे। बाकी देखो मैंने पहले ही क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया, तो इसमें आगे जरूर देखना, आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको मालूम पड़ेगा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, ब्रिक्स संगठन में कौन सी वो 6 कंट्री शामिल हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। देखो अभी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी साउथ अफ्रीका गए हैं इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, उन्होंने इन 6 देशों का हार्दिक रूप से स्वागत किया है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। अभी तक इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल थी, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अभी लेकिन इसमें 6 कंट्री और भी शामिल हुई। इसके आगे क्वेश्चंस मैंने सेट किया है बेटा, ये क्वेश्चन आप आगे देखोगे कौन सी वो 6 कंट्री है, जरूर देखना बेटा, पूरी क्लास देखा करो बेटा, आपको फायदा तब मिलेगा जब आप पूरी क्लास देखोगे। अगर कोई भी क्वेश्चन मिस हुआ तो आपका उसमें काफी नुकसान होता है, वही पेपर में आ गया तो दिक्कत बनेगी फिर, ठीक है ना। तो क्लासेज को बेटा, हमारी जो क्लासेज लगती है उनको लाइक शेयर भी आप साथ साथ करते रहा करो, काफ़ी बच्चे क्लास को देखते हैं, कमेंट भी आता है लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, शेयर करना भूल जाते हैं। जो भी बच्चा छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं क्लास तक पढ़ता है, उनके पास भी ये क्लासेज आपकी पहुँचनी चाहिए, क्योंकि हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटी सब इससे रिलेट करके पढ़ाते हैं, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और आज तो हाल फिलहाल में जो बच्चा टेंथ कर लेता है उसके साथ ही जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी में जुड़ जाते हैं, आज का बेटा सब कुछ इतना एडवांस है क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आज के समय में। इसलिए जो पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं जैसे ही बच्चा टेंथ पास करता है, जैसे ही दसवीं पास करता है, उसकी तैयारी वो पहले से ही शुरुआत हो जाती है उसकी, ठीक है ना। तो उन बच्चों के पास ये हमारे आपके परिवार में, आपके रिलेशन में, जहाँ पर भी क्लासेस को सेंड कीजिए। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी की क्लास तो आपको छोड़नी ही नहीं है, वो तो आपका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। और साथ में करंट अफेयर जो आपका, जैसे एसएससी सीजिल हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, है ना, अभी हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की वैकेंसी आएंगी, उसके लिए करंट अफेयर बहुत ही लाजवाब सेशन होगा बेटा करंट अफेयर का, ठीक है। इन क्लासेस को, इन सभी क्लासेस को आप नोट किया करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में आगे मैं लाइव क्लासेस भी लेना स्टार्ट करूंगा आपकी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या किया गया, वट हैज बीन रीनेम्ड खेलो इंडिया वुमेन लीग रिसेंटली। तो बेटा आंसर क्या है इसके अंदर, वीरांगना महिला लीग, ऑप्शन बी शक्ति महिला लीग, ऑप्शन सी अस्मिता महिला लीग, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो आंसर क्या सोचा आप लोगों ने, सोच लिया, मैं आंसर आपको बताऊं, इसका आंसर है अस्मिता महिला लीग, अस्मिता महिला लीग, ये इसका आंसर होगा। जो हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने इसका नाम बदल के ये किया गया है अस्मिता महिला लीग, इसका नाम चेंज कर दिया गया है अस्मिता महिला लीग। इसका फुल फॉर्म सुनिए बेटा अस्मिता का, देखिए मैं एक बार लिख दूं अस्मिता के बारे में, इसका ASMITA अस्मिता, ठीक है। इसका फुल फॉर्म सुनिए अभी, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, ठीक है। फिर से सुनिए बेटा इसकी फुल फॉर्म, फिर से सुनिए, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा कर दी है बेटा अभी, महिला को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अस्मिता महिला लीग की शुरुआत कर दी गई है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल दिया गया, अस्मिता महिला लीग कर दिया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, नोट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध भारतीय महिला अमेरिकी गणितज्ञ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद सी आर राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस राज्य से संबंधित थे। द फेमस इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन एंड
स्टेटिस्टियन हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये जो बंदे हैं इनको बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है, वर्ल्ड में बहुत सारे अवॉर्ड से इनको नवाजा गया है। ये अभी हाल ही में 102 वर्ष के थे जब उनकी अभी डेथ हुई है, 102 वर्ष के थे अभी इनकी डेथ हुई है, और ये भारत में कर्नाटक राज्य से थे। कौन से राज्य से थे ये कर्नाटक राज्य से थे। इनको बहुत सारे प्राइज मिल चुके हैं बेटा, और अमेरिका में अभी हाल फिलहाल इनकी डेथ हुई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने मैथ्स में अपना सांख्यिकी में बहुत बड़ा योगदान दिया है इन्होंने, ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 102 वर्ष के थे अभी इनका हाल फिलहाल में इनकी डेथ हुई है। क्वेश्चन नंबर 6-7 देखते हैं बेटा। हाल ही में विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया? विश्व जल सप्ताह अभी हाल ही में बेटा मनाया गया, ऑप्शन ए 16 से 20 अगस्त, ऑप्शन बी 20 से 24 अगस्त, ऑप्शन सी 24 से 28 अगस्त, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या सोचा आप लोगों ने? मैं इसलिए आपको दो तीन सेकंड का मैं समय देता हूं बेटा आपको, कि आप देख लें कि आपका तुक्का भी गलत होता है, ठीक है, आप ये देख सकते हो कि आपका तुक्का भी गलत होता है, इसलिए क्वेश्चंस को याद करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो बहुत जरूरी है बेटा इनको याद करना। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका ऑप्शन बी 20 से 24 अगस्त, ओके, विश्व जल सप्ताह 20 से 24 अगस्त। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अभी। लूपेक्स, देखो ये आ गया, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। लूपेक्स इनमें से किससे संबंधित है? लूपेक्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किससे संबंधित है लूपेक्स? सन, आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी मून, ऑप्शन सी शुक्र यानी वीनस, वीनस या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या है बेटा इसका? लूपेक्स किससे संबंधित है? लूपेक्स है चंद्रमा से संबंधित, मून से संबंधित है, ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूपेक्स की फुल फॉर्म सुन लीजिए पहले तो आप, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। देखो मैं हिंदी में भी लिख देता हूं बेटा, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन इंग्लिश में भी आप ऐसे ही नोट करेंगे, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। ये बेटा आप इसको, इस लूपेक्स के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी है, इसकी शुरुआत भी हमने, इसके बारे में हमने सोचना शुरू कर दिया है। ये क्या है? ये इसको बताया जा रहा है कि चंद्रयान 4, इसको अभी बताया जा रहा है चंद्रयान 4, चंद्रयान 4 इसको बताया जा रहा है, और ये कब से कब इसको लॉन्च किया जा सकता है? इसकी योजना बनाई जा रही है 2025 में, और इसके साथ ये कौन कौन सी स्पेस एजेंसी इसको लॉन्च कर सकती है? एक तो हमारी इसरो, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, और साथ में जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा। ये जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, इन दोनों के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा 2025 में, हो सकता है इसको लॉन्च किया जाए। लूपेक्स जो होता है, जैसे कि फुल फॉर्म में आपने सुना लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, तो जो साउथ पोल है या फिर जो नॉर्थ पोल है, विशेषकर साउथ पोल पर ये पानी की खोज करेगा, पानी के बारे में खोज का पता लगाएगा, जहां जहां जो जो चीजें हैं पानी के बारे में, विशेषकर पानी के बारे में, ये वहां पर खोज करके हमें बताएगा। तो इसको भेजा जा सकता है 2025 में, ओके, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आ गया, चंद्रमा। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर देना। चंद्रमा पर काफी चीजें आपको दिखाई देती हैं, थोड़े से गड्ढे भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, है ना, बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। आपको मुझे बताना है चांद पर सबसे बड़े पर्वत का नाम क्या है, ठीक है ना, माउंटेन्स, माउंटेन इन द मून, माउंटेन इन द मून, चंद्रमा में पर्वत कौन सा है, ठीक है, चंद्रमा में या चंद्रमा पर माउंटेन ऑन द मून, तो विच माउंटेन ऑन द मून, पर्वत कौन सा पर्वत होगा चंद्रमा पर, इसका आपको मुझे आंसर देना है। चांद पर बना पर्वत, सबसे बड़ा पर्वत, उसका नाम आप मुझे बताओगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं अभी।
क्वेश्चन नंबर 9, हवा से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया? विच एयर टू एयर मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्टेड रिसेंटली? तो अभी रिसेंटली बेटा अग्नि 5 का परीक्षण हो चुका, ब्रह्मोस का हो चुका, अभी रिसेंटली हुआ है किसका? अस्त्र मिसाइल का। कौन सी मिसाइल? अस्त्र मिसाइल का अभी हाल फिलहाल में परीक्षण हुआ है और ये तेजस विमान के थ्रू हुआ है। तेजस विमान, जो हमारा तेजस विमान है उसके थ्रू हुआ है। और इसका परीक्षण कहाँ हुआ? इसका परीक्षण गोवा के समुद्र तटीय क्षेत्र पर हुआ, समुद्र तटीय क्षेत्र पर, गोवा के समुद्र तटीय क्षेत्र पर इसका परीक्षण हुआ है। अस्त्र ये हवा से हवा में मार कर सकती है बेटा, सुपरसोनिक जो चीजें होती हैं उनको भी मार गिरा सकती है, काफी इंपोर्टेंट है अस्त्र मिसाइल, ठीक है हमारे। अच्छा एक चीज मैं आपको, चलो ये मैं खुद ही बता दूं, भारत के जो मिसाइल मैन है वो किनको बोलते हैं? भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को बहुत कुछ दिया बेटा, साइंस के में अंदर, टेक्नोलॉजी में, अपने भारत को बहुत आगे लाके खड़ा कर दिया है एपीजे अब्दुल कलाम ने, ठीक है ना। तो बेटा आगे बढ़ते हैं इसमें, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश का पहला एआई स्कूल कौन से राज्य में खोला गया? एआई स्कूल हाल ही में कौन से राज्य में? एआई का मतलब सुन लीजिए पहले, तो क्या मतलब होता है एआई का बेटा? एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कौन से राज्य में खोले जाएंगे? अभी और खोल दिया गया, तो ये आंसर है केरला। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो एआई स्कूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा अभी। और सुनिए एआई स्कूल के बारे में मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, ये एआई स्कूल केरला में खोला गया है और आगे भी खोलने शुरू हो जाएंगे। ये जो एआई स्कूल है इसके अंदर क्या होता है, जिन आदमियों में जैसे किसी को पैरालाइज है, तो बोलने में असमर्थ है, तो उनके लिए ये स्कूल क्या करेंगे, उनके हाव भाव को, उनके फेस के जो हाव भाव होते हैं, उनके दिमाग की जो चीज़ें, जो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, फेस के हाव भाव को देखकर ये डिजिटल बोर्ड पे आपको बता देगा, ये दिखाएगा, ये प्रदर्शन करेगा कि ये आदमी बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है, इसके हाव भाव क्या हैं, इनके मन में क्या है। तो ये इस तरह से ये डिजिटल प्रोसेस होगा, जो कि आपको बताएगा कि आदमी के मन में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, वो बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो इस तरह के स्कूल, जो डिसेबल बच्चे होते हैं, जो भी जिसको जो परेशानी है, वो अपने जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाते अपनी डिसेबिलिटी के कारण, तो उनके लिए ये स्कूल बहुत ही फायदेमंद होंगे। अभी हाल फिलहाल में कैलिफोर्निया में एक 47 वर्षीय लेडी जिसका नाम था एन 47 वर्षीय लेडी, उसके ऊपर ये प्रयोग किया गया था और उसके हाव भाव को समझा गया, ठीक है। तो डिजिटल रूप उनकी बातों को दिया गया, तो समझ में आया कि क्या क्या बोलना चाह रही है। ऐसे ही स्कूल अब भारत के अंदर खोले जाएंगे, जिसकी शुरुआत केरला में हो चुकी है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट होंगे बेटा ये क्वेश्चन। केरला के बारे में स्टैटिक पॉइंट में आपको बहुत सारे पढ़ा चुका हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, केरला के अंदर नदी, नेशनल पार्क और लेक, तीनों के तीनों एक ही नाम से, पेरियार के नाम से। वहां का क्लासिकल डांस कथक कली मोहिनीअट्टम, वहां के टेंपल श्री पद्मनाभ स्वामी, सबरीमाला वहां के टेंपल। केरला में साउथ इंडियाज हाईएस्ट माउंटेन पीक अन्ना मुदी, केरला मसालों के लिए फेमस, मसालों की पहाड़ी कार्डामम या इलायची की पहाड़ी केरला के अंदर। लिटरेसी रेट में सबसे आगे है, सेक्स रेशो में सबसे आगे है, ठीक है ना। काफी चीजें इंपॉर्टेंट है केरला के अंदर, जरूर पढ़िए। तमिलनाडु का भरतनाट्यम वहां पर डांस है, बृहदेश्वर वहां पर टेंपल है, वहां पर मीनाक्षी टेंपल भी है, वहां पर कांचीपुरम का कैलाश मंदिर भी है, वहां पर बहुत सारे इंपोर्टेंट और टेंपल हैं। बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर काफी सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, इन सब के नेशनल पार्क भी मैं आपको बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किस फूल की नई किस्म का अनावरण किया गया है? ठीक है, न्यू टाइप ऑफ फ्लावर हैज बीन अनवील्ड बाय जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आंसर है बेटा इसके अंदर लोटस, रोज, सनफ्लावर या टूलिप। तो आंसर सोचा आप लोगों ने, ये बेटा नए फूल की किस्म है, तो ये आंसर है इसका लोटस। लोटस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लोटस की ये फूल की किस्म है। इसको नाम दिया गया 1000 नमो, 1000 नमो,
ठीक है, 1009 लोटस, ये एक कमल का फूल है, इसके अंदर 108 पंखुड़ियां हैं, इसके अंदर 108 पंखुड़ियां हैं, 108 पंखुड़ियां होंगी इसके अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में यूनिक है। तो इसका अनावरण अभी जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री हैं हमारे जितेंद्र सिंह के द्वारा, ये एक नई किस्म है कमल के फूल की, जिसका नाम रखा गया 108 नमो, क्योंकि इसमें 108 पंखुड़ियां हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको सबको नोट करना है, रोज़ के बारे में, सनफ्लावर के बारे में, ट्यूलिप गार्डन के बारे में। देखो मैंने अभी आपको ट्यूलिप गार्डन पढ़ाया था पिछले ही क्लास में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य कौन बने। देखो ये आ गया क्वेश्चन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य कौन बने। हु अमंग द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, संयुक्त अरब अरब अमीरात, अर्जेंटीना, संयुक्त अरब अमीरात। तो बेटा ये सभी छह की छह कंट्री, तो इसका मतलब हो गया उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। तो ये छह सदस्य और भी बढ़ गए बेटा इसके अंदर, पहले तो इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ही थे, अभी इसके अंदर इजिप्ट भी आ गया, इजिप्ट यानी मिस्र, इथियोपिया भी आ गया, ईरान भी आ गया, सऊदी अरब भी हो गया, अर्जेंटीना हो गया, संयुक्त अरब अमीरात भी हो गया, छह सदस्य और भी इसके अंदर बढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में इसका जो सम्मेलन है ये साउथ अफ्रीका में हुआ, और अभी अगला जो 2024 का ये होगा रसिया के अंदर, रसिया के कजान शहर में, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। तो बेटा आज के लिए इतने फैंटेस्टिक क्वेश्चन आपने सबने नोट करने हैं, आज के लिए बेटा इतना ही, अगले नए सेशन में हम मिलते हैं कल की क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि देखो एक और मैं क्लास आपकी बनाऊंगा जीआई टैग के लिए, काफ़ी बच्चों की डिमांड उठ रही है सर जीआई टैग पर एक क्लास बना दीजिए, कौन कौन से राज्य में जीआई टैग, जो कि भौगोलिक जो संकेतक हैं, भौगोलिक संकेतक जो कि ज्योग्राफिकल जो संकेत होते हैं उनके इंडिकेशन होती, वो उसके बारे में अपने अपने स्टेट में कौन कौन सी चीज़ें फेमस हैं उनके बारे में एक चीज़, एक क्लास हमारी बना दीजिए। तो अगली क्लास आपकी जीआई टैग के ऊपर हो सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, थैंक यू वेरी मच, क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर किया करो बेटा, ओके मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।